बसमिल डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू स्पीडियर ग्रुप ऑफ कॉलेज लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम मैं हाफिज फ़ारूक शहजाद आज हमारा फिजिक्स का चैप्टर नंबर टू वेक्टर्स एंड एकब्रियम का पहला लेक्चर है जिसका नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ वैक्टर आज हम पढ़ेंगे कि वैक्टर्स क्या होते हैं और उसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्या हैं सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी की फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी होती हैं द ऐसी क्वांटिटीज जिनको हम एक प्रॉपर स्केल और यूनिट के साथ मैयर करते हैं वो क्या कहलाती हैं फिजिकल क्वांटिटीज। अब वो फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन सी होती हैं? दो तरह की होती है पहली को हम कहते हैं स्केलर स्केलर क्वांटिटीज। क्वांटिटीज कौन सी होती है दो कंप्लीटली एक्सप्लेन बाय नंबर्स एंड प्रॉपर यूनिट्स। ऐसी क्वांटिटीज जिनको एक्सप्लेन करने के लिए नंबर और प्रॉपर यूनिट इनफ हो और वो क्वांटिटी हमें कंप्लीटली समझ में आ जाए तो ऐसी क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी कहलाती है फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एग्जाम्पल है स्पीड टाइम एनर्जी वॉल्यूम डिस्टेंस वर्क अब फॉर को हम डिफाइन करना चाहे तो हम कहेंगे फाइव किलोग्राम फाइव इसका नंबर हो जाएगा जो कि इसकी मैग्नीट्यूड भी कहलाती है और किलोग्राम इसका यूनिट हो जाएगा तो इस तरह हमें मैस की क्वांटिटी दो चीजों के बताने से कंप्लीट समझ में आ जाती है इसी तरह अगर टाइम की एग्जांपल ले तो अगर मैं कहूं फाइव सेकेंड्स फाइव मिनट्स फाइव आवर्स फाइव डेज फाइव वीक्स फाइव मंथ्स तो ये जो फाइव है ये नंबर है यानी कि उसका मैग्नीच्यूड है और मिनट सेकंड, और डेज ये उसका क्या है यूनिट है तो हमें बात कंप्लीटली समझ में आ जाती है स्केलर क्वांटिटीज को ऐड सब्रेक्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड ऑर्डरी अरिथमेटिक रूल्स के अकॉर्डिंग ही किया जाता है जिस तरह हम ऑर्डनरी अरिथमेटिक रूल्स की तरह प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं स्केलर क्वांटिटी को भी वैसे ही किया जाता है दूसरी टाइप है फिजिकल क्वांटिटीज की जिनको हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज दोज क्वांटिटीज विच आर कंप्लीटली एक्सप्लेन बाय नंबर प्रॉपर यूनिट एंड डायरेक्शन तो वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर में बेसिक डिफरेंस क्या हुआ डायरेक्शन का इसका मतलब है कि वेक्टर क्वांटिटीज को एक्सप्लेन करने के लिए नंबर प्रॉपर यूनिट और साथ साथ हमें डायरेक्शन को भी जाहिर करना होगा एग्जाम्पल्स देखते हैं सबसे पहले देखें देखेंटी है velocity क्या है? अगर हम कहेंगे कि एक बॉडी टू मीटर पर सेकंड से ईस्ट की तरफ मूव कर रही है तो अब ये विलोस्टी वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगी इसमें जो टू है ये किस चीज को जाहिर कर रहा है नंबर को टू जाहिर कर रहा है नंबर को मीटर पर सेकेंड विलोसिटी का यूनिट है और चूंकि हम कह रहे हैं की तरफ है, तो वो क्या शो कर रहा है डायरेक्शन इसी तरह अगर हम एग्जांपल है फोर्स की तो फोर्स में अगर मैं कहूं कि फाइव न्यूटन फोर्स लग रही है अपवर्ड तो फाइव क्या हो जाएगा नंबर न्यूटन क्या हो जाएगा उसका प्रॉपर यूनिट और अपवर्ड उसकी डायरेक्शन हो जाएगी तो ऐसी क्वांटिटी जिसमें हमें नंबर प्रॉपर यूनिट और डायरेक्शन की जरूरत महसूस हो उसको कंप्लीट एक्सप्लेन करने के लिए तो ऐसी क्वांटिटीज वेक्टर क्वांटिटीज कहलाती हैं वेक्टर क्वांटिटीज को हम सिंपली अरिथमेटिक रूल्स के तहत ऐड सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई नहीं कर सकते इसके लिए कुछ स्पेसिफिक रूल्स होते हैं जो आगे हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे तो वेक्टर्स को ऐड कर या या मल्टीप्लाई कर हम अरिथमेटिक रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं कर सकते एक चीज याद रखिएगा वेक्टर्स कैन नॉट बी डिवाइडेड। कोई भी ऐसी क्वांटिटीज जो वेक्टर क्वांटिटीज होंगी उन दोनों को हम डिवाइड नहीं कर सकते अब हम देखते हैं कि वेक्टर को रिप्रेजेंट किस तरह से किया जाता है वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास दो मेथड है फर्स्ट हम कहते हैं सिंबॉलिक मेथड सिंबॉलिक मेथड क्या है कि जिसमें हम वेक्टर्स को सिंबल से जाहिर करते हैं सिंबॉलिकली यूज़ यूज़ करने के लिए हम बोल्ड लेटर करते हैं फ्रॉम ए टू जी अल्फाबेट में से ए टू जी हम कोई भी लेटर यूज कर सकते हैं लेकिन हम उसको बोल्ड करके लिखेंगे तो वो हमें क्या जाहिर करेगा कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। दूसरा सिंबल के तौर पर हम इसको कैसे जाहिर कर सकते हैं हम लेटर को लिखेंगे सिंपली और उसके ऊपर हम एक एरो हेड शो कर देंगे तो हमें ये जाहिर करेगा कि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो सिंबोलिकली भी दो तरीके हैं वेक्टर को जाहिर करने के या हम उसको बोल्ड करके लिखते या फिर हम उसको हेड लगा दें तो ये वेक्टर्स को सिंबोलिकली रिप्रेजेंट करने का मेथड है इसी तरह जो मैग्नीच्यूड है वेक्टर के आल्सो नोन एज मॉडुलस एंड रिप्रेजेंटेड एज अगर हम स्केलर क्वांटिटी यानी कि वेक्टर की मैग्नीच्यूड को सिर्फ शो करना चाहेंगे तो हम क्या करेंगे उसके दो मेथड है या फिर हम उसके साइड पर मॉड लगा देंगे या फिर हम उसको सिंपली ए लिख देंगे तो ये सिंपल लिखा हुआ हमारे पास स्केलर होगा जबकि बोर्ड लिखा हुआ हमारे पास वेक्टर होगा अगर वेक्टर साइन ऊपर एरो हेड और साथ मोड होगा तो ये स्केलर होगा लेकिन अगर सिंपली इस तरह लिखा हुआ है तो फिर ये वेक्टर होगा ग्राफिकल मेथड देखते हैं वेक्टर को हम ग्राफिकली किस तरह से जाहिर करते हैं हम एक स्ट्रेट लाइन से जाहिर करते हैं और उसके ऊपर हम एक हेड लगा देते हैं जो लाइन है वो हमें उसका मैग्नीच्यूड बताती है जबकि उसका एरोहेड हमें क्या बताता है उसकी डायरेक्शन या हम उसका एरोहेड देख सकते हैं यह हमें डायरेक्शन बता रहा है और जो इसका इनिशियल पॉइंट है इसको टेल कहते हैं ये हमें इनिशियल पॉइंट बता रहा है और इसकी जो लेंथ है जो इसकी टोटल लेंथ है ये उसकी मैग्निच्यूड के बारे में बता रहा है डेली लाइफ में देखते हैं कि वेक्टर्स हमारे किस तरह से काम आते हैं या हम वेक्टर्स को किस तरह से यूज करते हैं अक्सर रोड साइंस पर हमने इस तरह के साइन देखे हैं अब ये साइन जाहिर क्या कर रहा है कि नेक्स्ट आगे जाकर हमें रोड पर लेफ्ट टर्न लेना है जो कि शार्प टर्न होगा तो अब इसके ये जो शार्प एरिया ये एरिया शो कर रहा है उसकी मैग्नीट्यूड और ये हेड शो कर रही है उसकी डायरेक्शन सेकंड सिंबल देखते हैं अक्सर ये सिंबल हमने रोड पर देखा है ये हमें यू टर्न के बता रहा होता है कि आगे जाकर आप यू टर्न लेना चाहें तो आप यू टर्न ले सकते हैं इसी तरह ये डबल एरो है अब यह एरो क्या जाहिर कर रहा है कि ये रोड जिस पर आप जा रहे हैं आगे जाकर आप राइट right टर्न भी ले सकते हैं और लेफ्ट टर्न भी ले सकते हैं इसी तरह अगर आप माउंटेनी एरियाज में जाए तो माउंटेनी एरियाज में हमें कुछ इस तरह के सिंबल देखने को मिलते हैं जिसमें जिक जैग होता है जो कि शो करता है कि इससे आगे जो रोड है वो जिक जैग है और उसके बाद आगे स्ट्रेट है तो इस तरह डेली लाइफ में हम वेक्टर्स को यूज कर सकते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स देखते हैं कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं टू रेफर टूर इज कॉल्डी परपेंडिकुलरली ड्रॉ किया जाए वो क्या कहलाती है, है. यहाँ दो लाइन्स हम देख रहे हैं जो एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ की गई है इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जहां पर ये दोनों एक दूसरे को कट कर रही है इसको कहते हैं ओरिजिन जिसको हमने ओ से रिप्रेजेंट किया हुआ है द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज कॉल्ड ओरिजिन इसकी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस जो हॉरिजॉन्टल लाइन हमें ये नजर आ रही है इसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस जो के ओ एक्स है यहां पर ओ से लेके एक्स तक राइट right साइड पर ये पॉजिटिव होगी और ओ से लेके ये एक्स बार तक ये क्या होगी नेगेटिव होगी इसी तरह जो हमें वर्टिकल लाइन नजर आ रही है इसको हम वाई एक्सिस कहते हैं और ये क्या कहां से कहां तक है ओ से वाई अपर साइड पर ये पॉजिटिव होगी और ओ से वाई बार डाउन साइड पर ये नेगेटिव होगी तो ये जो कंप्लीट हमने देखा इसे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम या कार्टेशियन प्लेन भी कहते हैं अब हम देखते हैं कि को रिप्रेजेंट किस तरह किया जाता है इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पहले हम इसको देखेंगे टू डायमेंशन में किस तरह से जाहिर करते हैं टू डायमेंशन में हम इसको जाहिर करते हैं उसी तरह हमारे पास एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है और ये वेक्टर हम इस तरह से ओरिजिन से जाहिर करते हैं ओरिजिन से जाहिर जब हम करते हैं तो ये पी पॉइंट जो हमें नजर आ रहा है इसकी ब्रैकेट में हमें दो नंबर्स नजर आ रहे हैं लेटर्स नजर आ रहे हैं ए और बी ए शो कर रहा है कि उसका एक्स एक्सिस में डिस्टेंस कितना है और बी शो कर रहा है कि उसका वाई एक्सिस में डिस्टेंस कितना है और एंगल थीटा हम उसकी डायरेक्शन को जाहिर करता है एंगल थीटा जो है वो हमेशा X एक्सिस के साथ होगा पॉजिटिव X एक्सिस के साथ और हमेशा एंटी क्लॉक वाइज ड्रॉ किया जाएगा जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि एंगल जो है वो पॉजिटिव X एक्सिस के साथ ड्रॉ किया गया है और एंटी क्लॉक वाइज ड्रॉ किया गया है अब वेक्टर्स को हम देखते हैं थ्री डायमेंशन में अगर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स हो और उसमें थ्री डायमेंशन में वेक्टर को रिप्रेजेंट करना हो तो हम कैसे करेंगे ये हमारे पास थ्री कोऑर्डिनेट सिस्टम है इसमें इसी तरह हमारे पास देखे तीन कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे एक्स वाई और जी एक्स एक्सिस के साथ जो एसोसिएटेड एंगल होगा वो अल्फा होगा वाई के साथ बीटा होगा और जी के साथ गैमा होगा अभी इसी तरह इसके जो पॉइंट्स आ जाएंगे वो भी तीन आ जाएंगे क्योंकि हम थ्री डायमेंशन की बात कर रहे हैं ए बी और सी A जाहिर करेगा एक्स एक्सिस को बी जाहिर करेगा जी एक्सिस को और इसी तरह हम इन एंगल्स को फाइंड आउट करते हैं और इसमें एक एंगल आप देख रहे हैं एक्सिस एंटी क्लॉक वाइज है वाई एक्सिस दूसरा एंगल एंटी क्लॉक वाइज है लेकिन थर्ड एंगल जो जी है वो क्लॉक वाइज ड्रॉ किया गया है उसकी रीजन ये है कि हम मैथमेटिक्स में या फिजिक्स में मोस्टली शॉर्टर एंगल की तरफ जाते हैं तो अगर हम कंसीडर करेंगे इसको एंटी क्लॉक तो ये लार्जर एंगल बन जाएगा तो हम प्रेफर करते हैं फिर शॉर्टर एंगल को तो उसी तरह हम देख सकते हैं कि अल्फा के एक्स एक्सिस के साथ बीटा वाई एक्सिस के साथ और गैमा जी एक्सिस के साथ अब हम देखते हैं कि वेक्टर्स को ऐड किस तरह से किया जाता है हमने जिस तरह स्टार्ट में कहा कि वेक्टर्स को हम सिंपली अरिथमेटिक रूल्स के अकॉर्डिंग ऐड नहीं कर सकते तो देखते हैं किस तरह से ऐड करते हैं लेट्स सपोज हमारे पास ये वेक्टर ए है ये हमारे पास वेक्टर बी है अब हम करेंगे क्या इनको ऐड करने के लिए अगर हम ए प्लस बी करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम वेक्टर ए को प्लेस करेंगे विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड हम वेक्टर ए की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज किए बगैर हम उसको वहां पर प्लेस करेंगे और सेकंड वेक्टर बी को हम फर्स्ट वेक्टर के हेड के ऊपर प्लेस करेंगे सेकंड वेक्टर जिसको ऐड करना हो उसको कैसे करेंगे सेकंड वेक्टर की टेल को फर्स्ट वेक्टर के हेड के ऊपर हम प्लेस कर देंगे उसके बाद फाइनल वेक्टर यानी कि इनका सम लेने के लिए हम वेक्टर ए की टेल को वेक्टर बी की यानी कि सेकंड वेक्टर की हेड से ज्वाइन कर देंगे तो इस तरह हमारे पास ये फाइनल सम आ जाएगा ए प्लस बी अगर हम बी प्लस ए करना चाहें तो फिर हम क्या करेंगे सबसे पहले हम वेक्टर बी को प्लेस करेंगे एज इट इज विदाउट चेंजिंग दी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड अब हम क्या करेंगे बी के हेड के ऊपर ए की टेल को प्लेस कर देंगे अब फाइनल फाइंड आउट करने के लिए बी की टेल को ए के हेड से मिला देंगे तो ये हमारे पास इसका सम आ जाएगा फिगर से हम देख सकते हैं ए प्लस बी और बी प्लस ए करने से ऑलमोस्ट हमारे पास सिमिलर रिजल्ट्स आए हैं अगर हम इनको कंबाइन ए की डायग्राम में रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं चूंकि ये डायग्राम हमें सिमिलर नजर आ रही है तो ये हमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट बताती है कि वेक्टर एडिशन जब की जाती है तो ए प्लस बी बी प्लस ए इक्वल आते हैं

हेड टू टेल रूल क्या है कि जब भी हमने वेक्टर्स को ऐड करना हो तो हम सेकंड वेक्टर को इस तरह से प्लेस करते हैं कि सेकंड वेक्टर की टेल और फर्स्ट वेक्टर का हेड आपस में जॉइंट हो जाए और उनका सम हासिल करने के लिए हम फर्स्ट वेक्टर की टेल और सेकंड वेक्टर के हेड को जॉइंट करते हैं जिस तरह अभी हमने किया और हमें उसका सम मिल गया r is equal to a plus b अब हम देखते हैं कि वेक्टर का जो सम आया उसको एक्चुअल क्या कहते हैं दैट इज कॉल्ड रिजल्टेंट वेक्टर अ सिंगल वेक्टर व्हिच वुड हैव द सेम इफेक्ट एज ऑल द अदर ओरिजिनल वेक्टर्स टेकन टूगेदर किस तरह से ड्रा होता है उसी तरह हम वेक्टर a को कंसीडर करेंगे हेड टू टेल के अकॉर्डिंग सेकंड वेक्टर की टेल को फर्स्ट वेक्टर के हेड के ऊपर प्लेस करेंगे और फाइनल वेक्टर को फाइंड आउट करने के लिए हम फर्स्ट वेक्टर की टेल को सेकंड वेक्टर के हेड से ज्वाइन कर देंगे तो अब हमारे पास ये जो सम आया है आर इज इक्वल टू ए प्लस बी ये एक्चुअली क्या है उसका रिजल्टेंट वेक्टर है जिसका इफेक्ट सेम होगा एज ऑल अदर ओरिजिनल वेक्टर्स टेकन टू टू गैदर अब हम देखते हैं वेक्टर सब्ट्रैक्शन क्या होती है वेक्टर्स को किस तरह से किया जाता है सब्ट्रैक्शन के लिए भी हम अगेन हेड टू टेर रूल ही यूज करेंगे किस तरह से फर्स्ट ऑफ ऑल हम वेक्टर ए ड्रॉ करते हैं फिर हम वेक्टर बी ड्रॉ करते हैं और उसी तरह हम उसका रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ कर देंगे ये जिस तरह हमने सम में किया था इसी तरह वेक्टर ए ड्रॉ किया और वेक्टर ए को ड्रॉ करने के बाद बी का हम ऑपोजिट वेक्टर ड्रॉ करेंगे इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन फर्स्ट केस में आप देख रहे हैं वेक्टर की जो डायरेक्शन है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट है लेकिन सेकंड में राइट टू लेफ्ट है तो अब हम जब इसका सम लेंगे आर इज इक्वल टू ए प्लस माइनस बी बिकॉज इट इज दैक्टर नेगेटिव वेक्टर नेगेटिव वेक्टर क्या होता है ऑपोजिट वैक्टर जो किसी का भी होता है वो उसका नेगेटिव वैक्टर होता है और इक्वेशन में हम इसको जाहिर करते हैं इसके बाद हम देखते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ वैक्टर के हम वैक्टर को मल्टीप्लाई किस तरह से करते हैं बाय स्केलर स्केलर किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं हम किसी भी नंबर नंबर को को से उस वेक्टर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो उसका स्केलर मल्टीपल हो जाता है फॉर एग्जांपल ये वेक्टर ए है अगर हम इसको टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी मैग्नीट्यूड टू टाइम बढ़ जाएगी जबकि डायरेक्शन इसकी सेम रहेगी लेकिन अगर इसी वेक्टर को मैं माइनस टू से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो हम देख सकते हैं कि इसकी मैग्नीट्यूड टू टाइम बढ़ गई है लेकिन साथ साथ इसकी डायरेक्शन भी ऑपोजिट हो गई है तो अगर तो हम स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे और एन पॉजिटिव होगा तो उसकी डायरेक्शन सेम रहेगी और मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगी उतने टाइम अगर हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतने टाइम मैग्नीट्यूड बढ़ने के साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी हो जाएगी। अब हम कुछ में से से देख लेते हैं कि इसमें क्या-क्या तो पूछा, में, में पूछा गया तो इनमें से जो वेक्टर क्वांटिटी है वो टेंशन है क्योंकि टेंशन में हमें उसकी जो स्ट्रेंथ है उसके साथ, और साथ उसकी डायरेक्शन का भी बताना होता है सेकेंड है सिंगल सेम इफेट ऑल अदर ओरिजिनल इज कॉल्ड लॉ टू थाउजेंड टेन में पूछा गया तो अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी है ऐसे वैक्टर को क्या कहते हैं रिजल्टेंट वैक्टर कहते हैं नेक्स्ट कुछ शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं जो इस टॉपिक से पूछे गए तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है शो दैट वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव लाहौर 2008 में पूछा गया तो हमने लेक्चर के दौरान देखा कि वेक्टर कम्यूटेटिव किस तरह होते हैं ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया द सब्ट्रैक्शन ऑफ बी वेक्टर तो हमने हमने देखा देखा। कि कि और और बिल्कुल होती है। 2018 में और वाला 2014 में में वाला 2014 ये ये पूछा गया जो कि आज के में हमने देखा। ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने बेसिक पढ़ा कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होते हैं और उनके बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है उनको एड सब्ट किस तरह से किया जाता है नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में कि वेक्टर्स की टाइप्स क्या होती हैं और उनकी हम डिटेल पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जजाकत